So hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. In the course of today's video, we will understand what is the provided compensation under the Motor Vehicle Act 1988. We will understand this compensation with the amendment of 2019. In the course of today's video, I'll explain the highlights of this particular amendment and I will update you guys with the new form of compensation and some other things. Now, without further ado, let's look into the PPT. Now we have jumped into the PPT of compensation under MV Act 1988, Amendment of 2019. So the first part is introduction. The Motor Vehicles Act 1988, which passed by the Parliament in the year 1988, contains the provision related to traffic regulations, road transport vehicles, registration and insurance of vehicles, पेनल्टीज एंड फाइंस. ये जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इन चार चीज़ों की बात की गई है. सबसे पहले आता है ट्रैफिक रेगुलेशंस, सेकेंडली की जो रोड ट्रांसपोर्टेड व्हीकल्स हैं उनके बारे में, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, उनके इंश्योरेंस के बारे में, और अगर किसी भी कोई एक बंदा इन सभी चीज़ों का वायोलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज एंड फाइन इम्पोज किया जाएगा. The era of industrialization, urbanization and increasing incomes of the people have led to massive increase in the number of motor vehicles in India, which has further led to an increase in road accidents. कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, वो लोग गाड़ियाँ लेते गए, उसके चक्कर में ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने लॉज को वायलेट करना शुरू किया, जिस वजह से एक्सीडेंट्स होने लगे. To address the problem of road accidents and various other issues such as road safety, road discipline, compensation for the victims, vehicle health, third party insurance, etc., the Motor Vehicle Amendment Act 2019 was passed by the Parliament on August 5th, 2020. The Act came into the effect of September 1, 2020. ये amendment की date जो है वो for comparative purposes काफ़ी important है. Please इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि पर्टिकुलर एक्ट जो है वो भले 2019 का है बट पार्लियामेंट ने उस चीज़ को पास किया था ऑन 5th August 2020 एंड ये पर्टिकुलर चीज़ इफेक्ट में आई थी फ्रॉम द 1st September 2020. तो जो पर्टिकुलर जो ये एक्ट है वो 1st September 2019 के अंदर आया था, जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स के बारे में बात की थी फॉर द ऑफेंडर्स, देयरफॉर क्रिएटिंग अ मोर रिग्रेस पनिशमेंट फॉर देम. This amendment has made it difficult for those in the habit of breaking the traffic rules, कि जिनको आदत लग चुकी है कि रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना या व्हीकल चलाना, या तो फिर रेड लाइट पर रुकना नहीं है उनको, या तो फिर रैश ड्राइविंग करनी है, स्पीड लिमिट से ऊपर कार को चलाना है या व्हीकल को चलाना है. Some examples of the change that have been brought about are imprisonment of up to a month for driving errors and provision for imprisonment up to 6 months for accident caused by rash drivers etc. कि इन सभी चीज़ों के ऊपर मेन हाईलाइट किया गया था कि जो ट्रैफिक रूल्स को ज़्यादा ब्रेक करने का वो माइंडसेट रखते हैं कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं हमारे लिए, कुछ भी नहीं, हेलमेट क्यों पहनना है, सीट बेल्ट क्यों पहनना है, ये पर्टिकुलर चीज़ों को रोकने के लिए ही पार्लियामेंट ने नया एक स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट लाया था, ठीक है. उसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले समझ लेते हैं. विद एवरी स्टेप टूवर्ड्स इंक्रीज अर्बनाइजेशन इट इज़ एविडेंट दैट द ट्रैफिक ऑन द रोड्स हैज़ इंक्रीज्ड, कि जो भी ट्रैफिक है वो बढ़ चुका है. नाउ डेज ईच हाउस होल्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सिटी और टाउन हैज़ एटलीस्ट वन मोटर व्हीकल, की मतलब जितने घर हैं अभी इंडिया के अंदर हमें उतना मान लेना चाहिए कि उतने व्हीकल्स तो होंगे ही. हम में से जितने भी लोग अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं कि जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट्स हाई राइजेस होते हैं, कि जहाँ पे एक घर के अंदर रहने वाले 4 या 5 लोग होते हैं बट उनके पास 6 से 7 व्हीकल्स होते हैं इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, ठीक है. नाउ डेज इज हाउस होल्ड उन सभी के पास व्हीकल्स होते हैं. विद दिस इंक्रीजिंग ट्रैफिक ऑन रोड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेस, द प्रोबेबिलिटी मैचेस विद द रियलिटी, द नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स इज ऑन द राइज, कि ये एक फैक्ट चीज़ है. हम डेली ना डेली किसी ना किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या तो हम यूट्यूब पे या और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सब चीज़ें रोज़ देखते हैं दैट आज ये पर्टिकुलर ड्राइवर ने रैश ड्राइविंग किया जिसके वजह से इतने लोग मारे गए, यहाँ पे बस वाले ने रैश ड्राइविंग किया इस वजह से इतने सारे लोग इंजर्ड हो गए, या तो फिर कोई एक्टिवा वाला या बाइक वाला जो है वो बिना हेलमेट के घूम रहा था रॉन्ग साइड के अंदर, उसके चक्कर में उसकी डेथ हो गई. ये पर्टिकुलर चीज़ें हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे विटनेस करते हैं,
इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये नया अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। द रीजन्स आर मेनी, लाइक नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग, डिसऑनरिंग द ट्रैफिक रूल्स, अनअवेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर ट्रैफिक रूल्स, इनएफिशिएंट ट्रैफिक पुलिस फोर्स एक्सेट्रा। द मोटर व्हीकल्स एक्ट रीसेंट अमेंडमेंट्स वॉज डन इन कीपिंग इन दीज फैक्टर्स। भले ही हम मान लें कि ट्रैफिक हवालदार खड़े होते हैं चौराहे ऊपर, बट वो हर जगह किसी को पकड़ पकड़ के उनके लिए वो फाइन पे करवाएं या उनको पुलिस स्टेशन लेके जाएं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें। ये सब चीज़ें करने का उनके पास ना तो टाइम है ना ही हमारे पास उतना मैन पावर है। ठीक है, काफ़ी जगह पे वो स्पीड कैम्स लगे हुए हैं, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, जस्ट सो दैट कि वो पर्टिकुलर चालान जो है वो घर पे आ सके, बट आधे से ज़्यादा जगह पे वो चीज़ें काम नहीं कर रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया था। उसके सबसे पहले कुछ सेलियंट फीचर्स समझ लेते हैं। सबसे पहला है रोड एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रोड एंड एनवायरमेंटल हेल्थ की ज़्यादा बात की गई थी, कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनके लिए नॉन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फिर क्या बोलते हैं, EV व्हीकल्स को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया था हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। देन सेकेंडली आते हैं रोड सेफ्टी के ऊपर, तो वो रोड्स के ऊपर जो वाइट कलर की मार्किंग्स होती हैं, येलो कलर की मार्किंग्स होती हैं, जो कर्वे जो जहाँ पे रोड मुड़ने वाला होता है वहाँ पे होती है। देन वहाँ पे जितने भी वार्निंग साइंस होते हैं वो क्लियर एंड विजिबल होने चाहिए फॉर द डे एंड नाइट। ये सभी चीज़ों के बारे में भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बोला गया है। थर्ड थिंग वॉज फिटनेस ऑफ द व्हीकल, जो कि नई स्क्रैप पॉलिसी है। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं, इफ़ दे आर अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स और 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, कि कुछ स्टेट्स में 10 का लिमिट है, कुछ स्टेट्स में 15 का लिमिट है, तो उनके लिए उनको एक फिटनेस टेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा बाय द कंसर्न RTO। अभी इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर कार्स की हर एक चीज़ को दोबारा चेक किया जाएगा। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर नया कार का मॉडल है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल का हो या डीजल का हो या हाइब्रिड हो, जब भी वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है सबसे पहले उसका एक फिटनेस टेस्ट होता है, कि जिसमें कार्स को कुछ अराउंड 15-20 स्टेट से क्लियर होना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ को हम इंडियन मार्केट्स में लीगली बेच सकते हैं। ये इस चीज़ दोबारा होती है जब वो कार की एज 10 ईयर्स से अबव होती है, कुछ स्टेट्स में 15 ईयर्स के अबव होती है। अगर वो पर्टिकुलर टेस्ट वो एक व्हीकल पास नहीं कर पाता है तो उस पर्टिकुलर व्हीकल को स्क्रैप किया जाएगा, जस्ट सो दैट ये पुराने व्हीकल्स जो हैं वो स्क्रैप होना शुरू हो जाए और उस पर्टिकुलर स्क्रैप को रिसाइकल करके ईवी व्हीकल्स के को ईवी व्हीकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाएं। फोर्थ थिंग वुड बी द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, कि यहाँ पे एक नए बोर्ड का एक आइडिया दिया गया था कि एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड होना चाहिए जो रोड्स को सेफ रखने के लिए पूरा कामकाज करे। फिफ्थ वॉज द कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ द रोड एक्सीडेंट। यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्ट का एक्ट ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट का मेन हाईलाइट है कॉम्पनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, कि जहाँ पे कॉम्पनसेशन को काफ़ी सिग्निफिकेंट हाइक मिला था। ठीक है, छठा आता है प्रोटेक्शन ऑफ गुड सैमरिटन। गुड सैमरिटन वो लोग होते हैं जो एक्सीडेंट्स के टाइम के ऊपर, कोई जिसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो कार को या अपने व्हीकल को साइड में रख के जो इंजर्ड है उनकी हेल्प करते हैं, ट्रैफिक अगर होता है तो ट्रैफिक को क्लियर करने में पुलिस वालों की हेल्प करते हैं, तो उन सभी के प्रोटेक्शन के बारे में भी बात की गई है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। सातवां आता है कंपलसरी इंश्योरेंस। अगर हमें कभी भी पुलिस वाले रोकते हैं रास्ते के ऊपर, तो सबसे पहले वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस एंड PUC ही मांगते हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी कंपलसरी की गई है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो हर एक व्हीकल का एक कंपलसरी इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही क्यों ना हो, बट उसका एक कंपलसरी इंश्योरेंस डेफिनेटली होना चाहिए। उसके बाद बाकी के कुछ सेलेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है टैक्सी एग्रीगेटर्स। यहाँ पर टैक्सी जितने भी टैक्सी सर्विसेज हैं, जो भी कैब सर्विसेज हैं, उन सभी को एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करने का काफ़ी अच्छा खासा अटेम्प्ट किया गया था, जस्ट सो दैट कि यहाँ पे कार्टलाइजेशन ना हो, या तो फिर जो कोई टैक्सी वाले हैं वो एक प्रॉपर सम या प्रॉपर वेजेस ले सकें फ्रॉम दी पैसेंजर। ठीक है, दूसरा आता है ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर्स, कि ड्राइवर्स का जितना भी जो ड्राइविंग टेस्ट है उनका जो ट्रेनिंग टेस्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, जस्ट सो दैट वो कोई भी सिनेरियो के अंदर एक्सीडेंट करना ना मतलब ना कर पाए।
जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब अर्ली 80s एंड 70s के अंदर खाली ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। उसके बाद अभी हम लोग जो मॉडर्न टेस्ट देखते हैं कि जिसके अंदर हमको वो कार को एक हील पे ला के रखना पड़ता है, देन वी हैव टू पुट इट इन टू फर्स्ट गियर एंड देन वी हैव टू मूव, देन देर इज दिस बॉक्स पार्किंग, द रिवर्स एस एंड एवरी थिंग, कि ये पर्टिकुलर सब चीज़ें इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में बोली गई थी कि इसमें भी कुछ नए बदलाव लाने की ज़रूरत है। थर्ड वॉज दी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंसेस, कि हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे हर जगह लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, चाहे वो RTO ऑफिस हो या चाहे वो और कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे लाइन कुछ ज़्यादा होती है बिकॉज वहाँ पे काफ़ी कुछ जगह पे सारा काम पेन पेपर पे चलता है। अभी धीरे धीरे ये सब चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो हम लोग इन सभी सर्विसेज का उपयोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, कि जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, लॉरी व्हीकल्स हैं, उन सभी के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर एक नई नेशनल पॉलिसी लानी चाहिए कि जो जितने भी परमिट सिस्टम्स हैं कि जहाँ पे वो कितना वेटेज लेके जा सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ, इन सभी चीज़ों पे भी बात की गई थी। फिफ्थ थिंग वॉज द मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड, कि जितने भी लोग रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा एक सेपरेट फंड रखा जाए टू प्रोवाइड देम अ बेटर रिलीफ, बिकॉज ऐसा हर बार नेसेसरी नहीं है कि जो भी प्लेंटिफ होगा वो एक अच्छे घर से होगा, या तो फिर जो डिफेंडेंट होगा वो हर बार एक अच्छे घर से होगा। इट इज़ लाइकली टू हैपन कि अगर वो बंदा एक बस ड्राइवर है, उसकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उससे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो अच्छा खासा कॉम्पनसेशन ना भी दे पाए, तो वो जो कॉम्पनसेशन का जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए एक मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट फंड के बारे में भी बात की गई थी। देन सिक्स पॉइंट वुड इज द बेटर इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, कि जैसे काम अभी हम लोग काफ़ी सारी ऑनलाइन इंश्योरेंस की एप्स देखते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊंगा, बट देर आर सर्टेन एप्लीकेशंस के जिसके अंदर आप ऑनलाइन ही पूरा का पूरा इंश्योरेंस का प्रोसीजर ख़त्म कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेसिटेशन और पेपर वर्क। आपको ऑनलाइन ही सब चीज़ें पढ़ के साइन करनी होती है एंड फॉर्म सबमिट करना होता है, एंड अल्टीमेटली आपकी कार इंश्योर्ड हो जाएगी विद इन 24 to 48 hours आफ्टर द इंस्पेक्शन। सेवन थिंग वुड बी द नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। टेक्निकली एज ऑफ नाउ जितने भी व्हीकल्स हम RTO के अंदर रजिस्टर करवाते हैं दोज आर लिमिटेड टू स्टेट्स, कि जैसे कि राजस्थान के अंदर RJ की नंबर प्लेट होती है, हरियाणा में HR की होती है, दिल्ली में DL की होती है, वेस्ट बंगाल में WB लिखा होता है, तो ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्टेट प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज नाउडेज इन सम पार्ट्स ऑफ आर कंट्री वी सी दैट हमें भारत नंबर प्लेट, जो BH नंबर प्लेट जो होती हैं, जो कि एक नया यूनिक नंबर दिया है, हम वो सभी चीज़ें भी देखते हैं जस्ट सो दैट एक नेशनल रजिस्ट्रेशन हो सके फॉर व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस। इनफैक्ट अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे तो उसमें भी आपके स्टेट के इनिशियल्स पहले मेंशन किए होंगे, ठीक है? तो ये सभी चीज़ों को हटा के उसको नेशनलाइज करने की भी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में बात की गई थी। उसके बाद आते हैं कुछ इश्यूज के ऊपर, ठीक है? विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड फॉर हिट एंड रन केसेस अनदर फंड क्रिएटेड बाय दिस एक्ट फॉर द सेम पर्पज सीम्स फ्यूटाइल एंड अनरीजनेबल, कि जहाँ पे ऑलरेडी एक हिट एंड रन केसेस के लिए एक फंड है तो उसके लिए दूसरा फंड जो कि एक सिमिलर पर्पज के लिए ही है उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द एक्ट इज़ गुड इन टेक्स्ट एंड स्पिरिट बट इट्स यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर इंडिया इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, कि इस पर्टिकुलर चीज़ को पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल करना इज़ मच मोर डिफिकल्ट, ठीक है? इट हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट टू द लाइट दैट फॉर इंश्योरिंग दैट ट्रैफिक रूल्स ऑफेंडर्स डोंट गो अनपनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इज इम्पेरेटिव, फॉर एग्जाम्पल द इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज एंड अदर रिलेटेड इक्विपमेंट, नेचुरली दिस वुड रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एंड रिगार्डिंग विद इन विच द एक्ट इज एम्बिगुअस, कि ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए हम जितने भी CCTV कैमराज ऐसा कुछ लगाते हैं तो वो सभी चीज़ें हमारा एक्सपेंस जो है वो बढ़ा देगी, रादर देन हैविंग सर्टन पुलिस ऑफिसर्स जिनको हम सैलरी दे के वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है? मैनी स्टेट्स हैव रेज द इशूज ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ देयर ऑटोनॉमी एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि वो ये सब चीज़ें फॉलो करना नहीं चाहते कि ये RTO का नेशनलाइजेशन मतलब वो सभी चीज़ें एक नेशनल बॉडी के अंदर आ सके, ठीक है? ऑल्सो इट हैज़ बीन नोटेड दैट दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर रिलीफ ऑफ द विक्टिम्स, हाउ एवर इट इज़ अनक्लियर एज टू विच स्पेसिफिक ऑफेंसेज वुड लीड टू दैट पेनल्टी, कि कौन
कौन से स्पेसिफिक ऑफेंसेस के अंदर हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा या रिलीफ मिलेगा। दिस में मेक द होल अटेम्प्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ अ फ्यूटाइल, कि वो एक गलत चीज़ के ऊपर चला जाएगा पूरा का पूरा। ऑल्सो देर आर इनसफिशियंट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी फीचर्स। यहाँ पे भी मैं कुछ ब्रांड्स का नाम नहीं ले पाऊंगा, बट डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कौन कौन से व्हीकल्स एक्सीडेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ कुछ व्हीकल्स के तो दो टुकड़े हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें हम न्यूज़ में भी देख सकते हैं और काफ़ी बार हमारे सामने आता भी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ बेनिफिट्स के ऊपर। तो ई गवर्नेंस इज अ मेजर हाईलाइट ऑफ दिस अमेंडमेंट। विथ इट इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी टू हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अक्वायरिंग ट्रांसपोर्ट लाइसेंसेस। दिस प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग फॉर लाइसेंसेज एंड इंक्रीज द ड्राइविंग टेस्ट वैलिडिटी पीरियड, कि जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट का वैलिडिटी पीरियड बढ़ाया जाता है, देन ये सभी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस अमेंडमेंट फॉर ऑर्डिनरी फैन इज इंक्रीज इन कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स। जितने लोग रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं उनके लिए एक अच्छी बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट वॉज दैट प्रोविजन्स हैव बीन मेड टू इम्प्रूव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ व्हीकल्स बाय मेकिंग दिस प्रोसेस मोर कन्वीनियंट विद द यूज ऑफ सारथी एंड वाहन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जिसके अंदर डीलर जो खुद हैं वो ऑनलाइन ही सब चीज़ें रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है वो निकाल के फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लगाई जा सकती है। विथ स्ट्रिक्टर रूल्स ऑन द फिटनेस ऑफ व्हीकल्स द एयर पॉल्यूशन लेवल इन द सिटीज इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप, कि अगर इस पर्टिकुलर लॉ को टू द लेटर फॉलो किया गया तो हम ये चीज़ डेफिनेटली नोटिस करेंगे कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा। फिफ्थ वुड बी द बिग विथ डिजिटलाइजेशन एंड ई गवर्नेंस द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर एफिशियंट इन इट्स अंडरटेकिंग एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क बिकॉज एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन एंड अवेलेबल टू सी। तो यहाँ पे करप्शन होना या तो ब्यूरोक्रेसी के कुछ इश्यूज निकल जाएंगे, लाइक डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if we have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. उसके बाद आते हैं the provisions pertaining to the interim compensation awarded in lieu of no fault liability have been eliminated. Interim compensation will no longer be payable for the accident claims involving motor vehicles. The no fault liability compensation is set to ₹5 lakhs for the death and ₹2.5 lakhs for grievous injuries also. It is no longer required to prove the negligence of the driver. Sections 145 to 164 of the Motor Vehicle Act 1988 have been amended. कि जहाँ पे ये नो फॉल्ट लाइबिलिटी जो भी थी इंटरिम पर्पजेस के लिए उसको एलिमिनेट किया गया है। इंटरिम कॉम्पनसेशन जितना भी है वो एक्सीडेंट इन जितने भी मोटर व्हीकल्स के एक्सीडेंट हैं उन सभी को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी का जो कॉम्पनसेशन है जिसके अंदर डेथ होती है तो उसे हम 5 लाख रुपीज़ के ऊपर सेट किया गया है। वैरेज अगर ग्रीवियस इंजरी होती है तो उसे 2.5 लाख्स के अंदर दिया गया है। उसके अलावा सेक्शंस 145 टू 164 हैव बीन अमेंडमेंट। ठीक है, बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर। आई होप यू गाइस हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल ड्रीम एंड प्लीज विजिट आवर website, that is judicialdream.com, where you will find plethora of articles and plethora of MCQ mock tests which will help you in your examinations, let that be a competitive exam or let that be a regular law school exam, as well as you will find a lot of analysis of cases and other things. Once again, I'd like to thank you all and thank you very much. Have a good day.